हेलो दोस्तों, किचन किंग स्पेशल डिश में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की रेसिपी में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ हरी मिर्च, अदरक और लहसुन का मिक्स अचार। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम हरी मिर्च, जिसे मैंने अच्छे से धो करके पोंछ करके उसके डंठल निकाल लिए हैं और इसे दो दो भागों में इस तरह से काट लिए हैं। और साथ ही मैंने लिया है 100 ग्राम लहसुन, जिसके छिलके निकाल करके इसे भी दो दो भागों में काट लिया है। और साथ ही 100 ग्राम अदरक, इसके भी छिलके निकाल करके धो करके पोंछ करके इस तरह से मैंने काट लिया है। अब इसमें हम हल्दी डाल करके धूप में 2 घंटे के लिए सुखा लेंगे। तो इसे सुखाने के लिए एक थाली ले लेते हैं और इसमें हम हरी मिर्च, लहसुन और अदरक को डाल देते हैं। अब इसमें हम 1.5 चम्मच हल्दी डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेते हैं। आप इसमें नमक भी डाल सकते हैं। मैं इसमें सिर्फ हल्दी डालकर ही इसे सुखा लूंगी। और ये देखिए, अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसे हम धूप में रख के 2 घंटे के लिए सुखा लेंगे, ताकि इसका सारा मॉइस्चर जो है ख़त्म हो जाए। और इसे बीच बीच में इस तरह से चला देंगे ताकि ये अच्छे से सूख जाए। अब अचार में लगने वाले मसाले देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने नमक लिया है, 2 बड़े चम्मच नमक लिए हैं, क्योंकि अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा ही लगता है। तो इस तरह से आप अपने स्वाद अनुसार नमक ले लीजिएगा। और 1 छोटी चम्मच सौंफ और 1 छोटी चम्मच सूखा धनिया, 1/2 छोटी चम्मच कलौंजी और 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन, 2 छोटी चम्मच सरसों ले लिया है, 1/2 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और इसी के साथ यहाँ पर मैंने सरसों का तेल ले लिया है। और इसी के साथ अचार को चटपटा बनाने के लिए मैंने 2 नींबू के रस निकाल कर ले लिया है। अब हम एक कढ़ाई में सभी सूखे मसालों को भून लेंगे। सबसे पहले हम धनिया को डालेंगे, अब इसमें हम सरसों डालेंगे, सौंफ डालेंगे और इन्हें थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसी के साथ साथ हम अजवाइन और कलौंजी को भी डाल देंगे और इन सभी चीज़ों को अच्छे से भून लेंगे। इसे भूनने में हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, ये बहुत ही जल्दी भून जाएगी। और ये देखिए, भून गई है। अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब इन मसालों को हम दरदरा कूट करके इसका पाउडर बना लेंगे। और इन मसालों को कूटने के लिए मैंने इस छोटी सी कूटनी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मसाले को हमें दरदरा ही कूटना है, इसे हमें बहुत ही ज़्यादा चिकना नहीं करना है। इसे आप मिक्सी में भी पीस करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन इन मसालों को आप चिकना ना पीसिए, इसे दरदरा ही पीसिए, क्योंकि अचार में दरदरे मसाले का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। और ये देखिए, मैंने इसे इस तरह से कूट लिया है। अब इसे हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं और ये लीजिए, हमारे अचार के लिए मसाला बन करके तैयार है। अब हम अचार के लिए तेल गरम कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच तेल लिया है। मैंने सरसों का तेल लिया है, क्योंकि अचार में सरसों का तेल का बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। इसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे। जैसे ही तेल से धुआं निकलने लगेगा, हम गैस को बंद कर देंगे और तेल को ठंडा होने देंगे। और तेल को पूरी तरह से हम ठंडा नहीं करेंगे, तो इसे हम थोड़ी देर में देख लेते हैं कि तेल कितना गर्म है। इसके लिए एक लहसुन की कली को तेल में डाल करके देखते हैं। तो ये देखिए, काफ़ी गर्म है अभी। इसे हम निकाल लेते हैं और थोड़ी देर बाद फिर से हम तेल को चेक कर लेंगे। थोड़ी देर बाद इसे हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो इसमें हम लहसुन या फिर अदरक का एक टुकड़ा डाल करके देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं, तेल अच्छे से गुनगुनी हो चुकी है। तो अब इसमें हम हरी मिर्च, अदरक और लहसुन को डाल देंगे। अब इसमें हम नमक डालेंगे हल्दी डालेंगे और पीसे हुए मसाले डाल देंगे। अब इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और इसमें हम एक चम्मच कश्मीरी मिर्च डालेंगे, जिससे कि अचार में बहुत ही अच्छा कलर आएगा। इसे डालना पूरी तरह ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहे तो डालिए, नहीं तो इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद अब इसमें हम नींबू का रस डाल देंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दोस्तों, हरी मिर्च, लहसुन और अदरक का ये मिक्स अचार आपको बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। आप इसे एक बार ज़रूर बनाकर देखिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये मिक्स अचार कैसा लगा। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसे हम पूरी तरह से ठंडा होने देंगे, उसके बाद ही हम इसे स्टोर करके रखेंगे। तो ये देखिए, ये पूरी तरह से ठंडी हो चुकी है। अब इसे हम एक एयरटाइट डिब्बे में या फिर कोई जार में रखेंगे। तो इसके लिए आप जिस डिब्बे या फिर जार का इस्तेमाल करेंगे, उसे आप अच्छे से गर्म पानी से धो करके धूप में पूरी तरह से सुखा लीजिए, उसके बाद ही आप इसमें अचार को स्टोर कीजिए। अब इस डिब्बे में थोड़ा सा सरसों का तेल डालेंगे और डिब्बे के चारों तरफ फैला लेंगे। तो ये देखिए, मैंने इस तरह से चारों तरफ फैला करके सरसों का तेल का एक कोट लगा लिया है। अब इसमें हम अचार को भर लेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इसी तरह की नई नई रेसिपी की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल किचन किंग स्पेशल डिश को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब इसका ढक्कन लगा देते हैं और इसे 4 से 5 दिनों तक धूप में रख देंगे, जिससे कि इसमें सारे मसाले अच्छे से लग जाएंगे और ये खाने लायक हो जाएगी। और इसे आप 1 साल तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होगी। और अगर आपके पास विनेगर है तो आप इसमें थोड़ा सा विनेगर डाल दीजिए। विनेगर डालने से अचार ख़राब नहीं होती है और ये सालों साल तक खाया जा सकता है। आशा करती हूँ कि ये अचार की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।